हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आज हम बात करने वाले हैं हुआवे के न्यू ओएस हार्मनी ओएस के बारे में। क्या ये एप्पल के आईओएस और एंड्रॉयड को टक्कर दे सकता है, इसी बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओएस होता क्या है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहो तो भी चेकआउट कर सकते हो। तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ये अगर वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो आपके फ़ोन में अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज कर रहे हो तो आपके फ़ोन में आईओएस रन कर रहा है, और एप्पल के अलावा अगर आप कोई भी कंपनी का फ़ोन यूज कर रहे हो तो उसमें एंड्रॉयड रन कर रहा है बेसिकली, तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो उन्हें अलग ओएस निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या वो एंड्रॉयड यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि एंड्रॉयड तो ओपन सोर्स है। तो लास्ट ईयर 2019 के लास्ट में अमेरिका ने हुआवे को पूरी तरह से बैन कर दिया। उनकी कोई भी चीज, कोई भी कंपनी के साथ में हुआवे पार्टनरशिपिंग कर ही नहीं सकती थी, उन्हें अपनी कोई भी चीज नहीं दे सकती थी। जैसे कि आपको पता है एंड्रॉइड जो है वो गूगल का है, गूगल कहां की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो था वो भी नहीं दे रही है, तो बेसिकली पूरी तरह से उसे बैन कर दिया गया। तो उसके बाद में उन्होंने सोचा कि न्यू ओएस हम निकालेंगे, क्योंकि जो हुआवे है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। फोन का जो काम होता है, मार्केटिंग होता है, वो कम होता है, बट वो दूसरी चीज़ में जैसे कि जो टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड में मोबाइल टावर्स वही लगाए जाते हैं, उनके चिप का यूज़ किया जाता है, उनके बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। तो वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे कि बात की जाए बड़ी बड़ी कंपनियाँ एप्पल, बात की जाए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस सब से टक्कर लेने के लिए वो सक्सेस है और वो टक्कर ले सकती है। तो इसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया अपना नया ओएस। तो क्या ये आईओएस को और एप्पल को टक्कर दे सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपको बताइए आज के समय में एप्पल और एंड्रॉयड दोनों ने मोनोपोली क्रिएट करके रखा है। अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हो तो आपको आईओएस ही मिलेगा, और अगर आप दूसरा फोन यूज करते हो तो एंड्रॉइड ही मिलेगा। तो उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला है जिसके थ्रू आप एप्पल का आईओएस का भी मजा ले सकते हो और एंड्रॉइड का भी मजा ले सकते हो। कैसे, तो बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉइड के बारे में। तो एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स है, आप उसमें चाहो कोई भी कंपनी उसका यूज कर सकती है, कोई भी डेवलपर उसका यूज करके उसके लिए ऐप डेवलप कर सकता है। तो उसी तरह हार्मनी ओएस भी बनाया जाएगा, आप एंड्रॉइड की तरह एंड्रॉइड के सारे ऐप्स जो एपीके के फॉर्मेट में आते हैं वो भी हार्मनी ओएस में चले जाएगा, इस तरह से उन्हें बनाया जाएगा। तो वो भी ओपन सोर्स रहेगा, कोई भी डेवलपर चाहे तो उसमें के लिए डेवलप ऐप बना सकती है, ऐप डेवलप कर सकती है, कोई भी कंपनी चाहे तो अपने फोन में उसे हार्मनी ओएस दे सकती है। तो पूरी तरह से ओपन सोर्स होने वाला है। बात की जाए तो हुआवे ने ऐप गैलरी भी इंट्रोड्यूस किया है, ये भी प्ले स्टोर की तरह ही है, इसमें भी बहुत सारे ऐप देखने को मिलेंगे, बट प्ले स्टोर जितने ऐप तो नहीं है, लेकिन जो आपके काम काम के यूसेज के लिए हैं वो हाल फिलहाल में अभी अवेलेबल हो चुके हैं, और आगे फ्यूचर में और बहुत सारे ऐप्स आने वाले हैं। और बात कीजिए आईओएस को कैसे टक्कर देने के लिए हो, क्योंकि आपको पता है आईओएस जो होता है वो क्यों परचेस करते हैं, एप्पल के फ़ोन ही क्यों परचेस करते हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम क्रिएट करके रखते हैं। अगर आप एप्पल का फ़ोन लोगे तो वॉच लोगे, फिर उसके बाद में फिर आईपैड लोगे, मैकबुक लोगे, उस तरह से उन्होंने हार्मनी ओएस के लिए भी इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आपके फ़ोन में अगर हार्मनी ओएस वर्क कर रहा है, और आपकी टीवी है उसमें भी हार्मनी ओएस है, आपके पास वॉच है वो भी हार्मनी ओएस है, भले ही वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट ना हो बट उसमें ये ओएस चल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो एक दूसरे में कनेक्ट ही रहेंगे, तो इसलिए किया जा रहा है। तो बात की जाए कैसे सक्सेस होंगे, तो यूरोपियन कंट्री की बात की जाए तो वहाँ पे हुआवे बहुत ज़्यादा सक्सेस है, हुआवे का फ़ोन बहुत ज़्यादा परचेस करने के लिए सोचा जाता है वहाँ पे। तो अगर वो न्यू ओएस लाते हैं तो हो सकता है, इंडिया में तो चलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो सब सारे गूगल्स के जो ऐप्स होते हैं, जैसे कि बात की गूगल, फिर यूट्यूब, फिर प्ले स्टोर, फिर बात की जाए और सारे मैप्स, ड्राइव, ये सारे ऐप्स के जो फ्रेंडली हो चुके हैं और इनको छोड़ना बहुत मुश्किल का काम लगता है, बट जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो आराम से छोड़ सकती हैं और दूसरे ओएस का यूज़ कर सकती हैं। और जो बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे कि आपको पता है चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, और वहाँ पर गूगल बेसिकली पूरी तरह से बैन है, तो हुआवे का सबसे बड़ा मार्केटिंग जो हो गया उधर ही हो गया। और उनकी सारी कंपनीज होती है जैसे कि MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, ये सारी भी हो सके तो इनके ओएस का यूज कर सकती है। तो बेसिकली बात की जाए ये सक्सेस कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है अगर लाती है फोन तो शुरुआत में देगी अगर सक्सेस हो पाए। और बात की जाए दूसरे कंट्रीज के बारे में, जैसे कि यूरोपियन में तो यूबर जो लेबल में, जैसे कि आपको पता है आज के समय में जो आप यूबर यूज करते हो वो प्रॉपर तरीके से गूगल मैप के ऊपर आधारित है, गूगल मैप का यूज करके वो इधर से उधर चलते हैं, बट यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं है, वहां पर दूसरी सर्विसेज देती है और दूसरे मैप्स के थ्रू रन किया जाता है। तो अगर वहां पर वो हार्मनी ओएस लाते हैं और वहां पर मैप देते हैं तो वहां पे वो सक्सेस
सक्सेस हो जाएंगे। इंडिया में देखते हैं कब आएगा और कैसे सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि जो गूगल होती है वो गूगल, जैसे कि आपको आज आपके समय में गूगल पूरी तरह से आप गूगल के ऊपर टिक चुके हो, इंडिया में तो खासकर और अदर कंट्रीज में भी होते हैं, बट इंडिया में आप गूगल की तरफ फ्रेंड टू यूजर्स हो चुके हो, उसकी सारी चीज़ें जानते हो, आपको यूज़ करने बहुत आसानी होती है। बट हार्मनी ओएस जो होने वाला है, देखते हैं कैसा फीचर आएगा और क्या आप यूज कर पाओगे। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा। और कैसे करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।